हेलो बच्चों, तो इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन। ओके, लास्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से रिलेटेड फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, दो फॉर्म पढ़ी थी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे अप्लाई करते हैं, उसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कैसे चूज करते हैं। ओके, आइलेट रूल, तो उन्हीं का एप्लीकेशन पार्ट मीन्स प्रॉब्लम्स आ जाएं तो कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेट दी गिवन फंक्शन। तो सबसे पहले कैसे पहचानेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना है। ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट फंक्शन। ओके, मींस एक एलजेब्रिक है यहाँ पे तो दूसरा लॉगरिथमिक में, तो कहीं ना कहीं बाय पार्ट्स यूज करना है। सो वी हैव टू इंटीग्रेट एक्स लॉग ऑफ टू एक्स डी एक्स। ठीक है, अब बताइए कौन सा फर्स्ट फंक्शन है, कौन सा सेकेंड फंक्शन है। आइलेट में जो सबसे पहले आ रहा है, तो सबसे पहले लॉगरिथम आ रहा है या एल्जेब्राइक आ रहा है, तो सबसे पहले लॉगरिथम आ रहा है, फिर एल्जेब्राइक। तो ये तो फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया, या बोल सकते हो ये तो यू हो गया, ये वी हो गया। ठीक है, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन वी हैव टू कीप कॉन्स्टेंट यू, इंटीग्रेशन ऑफ वी मीन्स सेकेंड। ओके, फर्स्ट फंक्शन कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन लॉग ऑफ 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन। यही था फॉर्मूला, नहीं याद तो पहले फॉर्मूले को रिकॉल करिए फिर अप्लाई करिए। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, लॉग ऑफ 2x ऐसे ही, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस डीवाई डी एक्स ऑफ लॉग 2x, लॉग एक्स विल बी 1/2x एंड 2x विल बी 2, चैन रूल, इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर बाई टू इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, यही होगा, एक्स विल बी एक्स स्क्वायर बाई टू। देखिए, टू टू कैंसिल आउट, एक एक्स कैंसिल आउट, तो क्या बचा, ये एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ 2x माइनस, यहाँ क्या बचा, एक्स बाई टू बचा, यानी एक्स बाई टू डी एक्स, ये टू कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर बाई एक्स, एक्स एक्स बाई टू, एक्स बाई टू को फिर से इंटीग्रेट कर दीजिए, तो फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ 2x माइनस 1/2, तो यहां कॉन्स्टेंट है। ओके, 1/2 यहां कॉन्स्टेंट है, तो x का एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, ये 2 है। ओके, इसको मैं यहां लिख देता हूं लास्ट को, ये बना फाइनली एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ 2x माइनस 1/2 इंटू 1/2 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये फाइनल इंटीग्रेशन मिला। ठीक है, एक्स बाई टू, तो 1/2 कॉन्स्टेंट, एक्स विल बी एक्स स्क्वायर बाई टू, 2 × 2 = 4। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है, चूज करो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन, कब अप्लाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट सेकंड चूज करो और बाय पार्ट्स अप्लाई करो। ओके, कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं, ये देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे दो तरीके हैं अपने पास में, एक तो पहले सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके फिर बाय पार्ट्स पे चले जाइए, या फिर डायरेक्टली बाय पार्ट्स अप्लाई कर लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सब्स्टिट्यूशन इन द सेंस, देखो कॉस इनवर्स एक्स को अगर मैं टी लूँ तो इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है 1/√(1−x²). यहाँ सब्स्टिट्यूशन कब अप्लाई करते हैं, जब फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों प्रेजेंट हो। तो अगर कोस इनवर्स एक्स को टी लेता हूं तो कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, −1/√(1−x²), तो ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन पे भी जा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप क्या कर लीजिए, बाय पार्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो दो फंक्शन बताइए कौन कौन से, यहाँ एक तो है कॉस इनवर्स एक्स और दूसरा है x/√(1−x²dx। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन मिल गया। अब फर्स्ट और सेकेंड आइलेट में आई इनवर्स, तो सीधा सीधा इनवर्स फंक्शन सबसे पहले मिल गया, तो ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड फंक्शन होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब फॉर्मूला अप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट,
कॉस इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एक्स बाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, माइनस होल इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एक्स बाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, एंड होल इंटीग्रेशन, यही था फॉर्मूला। फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और कंप्लीट इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बन रहा है कि इसको इंटीग्रेट कैसे करें, तो इसको सेपरेटली आप इंटीग्रेट कर सकते हो और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो फिर, ठीक है, तो सेपरेटली इंटीग्रेट कर लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर विल बी वॉट, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और वहाँ पे एक्स मिल रहा है, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, तो कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन पे जाना है, मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप t भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और t स्क्वायर भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। डिफ्रेंशिएट करो, माइनस 2x dx इक्वल टू 2t dt, 2 कैंसिल आउट, सो x dx इक्वल टू माइनस t dt, सब्स्टिट्यूट करो यहाँ तो क्या मिलेगा, x dx माइनस t dt डिवाइडेड बाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो इट विल बी टी ओनली, क्योंकि टी स्क्वायर लिया है अपन ने वहाँ, ठीक है, टी टी कैंसिल आउट, तो इट विल बी माइनस डी टी मीन्स माइनस टी, एंड टी इज वॉट रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये होगा इंटीग्रेशन बेसिकली इसका, और इसका इंटीग्रेशन माइनस ऑफ रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्या मिला, माइनस ऑफ रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस होल इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस, डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस विल माइनस वन बाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू दैट इज सेम माइनस रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर से इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये बना माइनस रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स एक्स, ये टर्म कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, ओनली डी एक्स बचा और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, यहाँ ये कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, और ये बाहर माइनस चल रहा है, डी एक्स विल बी एक्स, दैट विल बी योर फाइनल आंसर, ओके। सो कैसे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन चूज करना है, कैसे इंटीग्रेट करना है, समझ में आ रहा है, ओके, विल डू मोर प्रैक्टिस। ये बताइए, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि लॉग एक्स को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, सिमिलरली टेन इनवर्स एक्स को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट में वन लेंगे, ठीक है, वाई इक्वल टू वन इंटू टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। अब फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन आईलेट में आई इनवर्स, तो इनवर्स ही मिल गया सबसे पहले फर्स्ट, और वन तो एल्जेब्राइक है, सेकंड होगा, ठीक है, आप फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, तो क्या होता है, यू इंटू वी डी एक्स, ओके, याद कीजिए, यू कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस यू यानी फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन, ठीक है, फर्स्ट कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन एंड होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट सेकंड फंक्शन है तो अप्लाई कर दीजिए, यू मींस फर्स्ट फंक्शन, टेन इनवर्स एक्स तो कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन किसका करना है, सेकंड, वो वन ही है, मींस डी एक्स, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वी डी एक्स, वी क्या है, वन, तो डी एक्स दैट विल बी एक्स ओनली, और ये हो गया डी एक्स, बात समझ में आ रही है, ये तो डिफ्रेंशिएशन हो गया टेन इनवर्स एक्स का, और वी क्या है, वन, तो डी एक्स, डी एक्स विल बी एक्स, अब डी एक्स क्या मिला, एक्स, तो एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रेट करना है एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर को, तो यहां सब्स्टिट्यूशन
एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे x होना चाहिए, तो इस कंप्लीट को t ले लीजिए। ओके तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लिया तो क्या बना, 2x dx इक्वल टू dt, मीन्स x dx इक्वल टू dt बाई टू। तो ये क्या बनेगा बेसिकली 1 बाई टू बाहर, और ये हो गया dt, dt बाई t बनाना। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ x tan इनवर्स x माइनस के इस x dx को क्या लिख सकते हैं dt बाई टू, तो dt बाई टू और ये टर्म क्या है t। ओके सो 1 बाई टू बाहर dt बाई टी, तो फाइनल आंसर आ गया x tan इनवर्स x माइनस 1 बाई टू dt बाई टी विल बी log ऑफ t, और टू क्या था x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। ओके dt बाई टी विल बी log ऑफ t, और t की वैल्यू क्या थी 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर है। अब यहाँ पे आप मोड फंक्शन लगा भी सकते हैं नहीं लगा सकते, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ओके तो मोड लगा भी दीजिए, वैसे ये ऑलवेज पॉजिटिव है और लॉगरिथम का डोमेन एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पे मोड लगाने की जरूरत वैसे भी नहीं है। ओके पर आपने लगा दिया तो भी गलत नहीं है। तो समझ में आया कैसे यूज मिलेंगे बाई पार्ट्स। चलो ये वाला बताइए, अगर समझ में आ गया तो ये खुद से ट्राई करिए, कहाँ तक बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो, ट्राई कीजिए और बताइए कि बना या नहीं। सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड फंक्शन, कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा कौन सा सेकंड फंक्शन होगा, हाईलाइट को मत भूलिए। तो एलजेब्राइक है लॉगरिथम है, तो पहले कौन सा मिलेगा एल लॉगरिथम और सेकंड एलजेब्राइक। ठीक है तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट यूज में ले रहा हूं। देखिएगा फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर विल बी एक्स क्यूब बाई थ्री और वन विल बी एक्स। ठीक है फर्स्ट कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स और सेकेंड का इंटीग्रेशन यही टर्म एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स और वापस से इंटीग्रेशन। ठीक है तो ये आंसर आ गया इसका एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स। बोर्ड में आपको फॉर्मूला भी लिखना है और बताना भी है कि ये फर्स्ट फंक्शन है ये सेकंड फंक्शन है, फिर फॉर्मूला लिखना है और फिर से ये लिखना है। ठीक है बट आप इतनी प्रैक्टिस हो गई अब सीधा डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। माइनस ये क्या बना 1 बाई एक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये तो क्या बना एक्स एक्स कैंसिल आउट तो एक्स स्क्वायर बाई थ्री और ये 1 बाई एक्स एक्स कैंसिल आउट तो 1। अब डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए, ये तो सेम एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स लॉग एक्स माइनस इसको इंटीग्रेट कर दीजिए 1 बाई थ्री तो कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर विल बी एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस दैट विल बी एक्स प्लस सी 1 का एक्स। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है अब तो इजी हो गया, आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी और उतना एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है चलो ई पावर एक्स वाली फॉर्म पे, पहले फॉर्म याद कीजिए क्या होता है ई रेस टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। अगर कहीं आपको इस फॉर्म को इंटीग्रेट करना हो तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा ई रेस टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, बट आपको ये फॉर्म मिलनी चाहिए क्वेश्चन में, नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। जैसे इसमें डायरेक्ट ऐसी कोई फॉर्म नहीं दिख रही ई रेस टू पावर एक्स के साथ, केवल एक फंक्शन दिख रहा है रेशनल फंक्शन, तो इसको दो ऐसे फंक्शन में लिखना पड़ेगा जो एफ एक्स और एफ डैश एक्स की फॉर्म में हो। ठीक है तो ट्राई करते हैं, तो पहले 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, इसी को सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं। ठीक है इस 1 को क्या मैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, और इसको क्या साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा नहीं लिख सकते, तो सिमिलरली इसको 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू नहीं लिख सकते, डिवाइडेड बाई 1 प्लस यहाँ पे कॉस 2 थीटा फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ पे थीटा बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, इस 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक्स बाई टू फॉर्म में,
यहां पे साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ए प्लस बी होल स्क्वायर बना, डिवाइडेड बाई ये टू, और इसको भी मैं इसके साथ ही लिख देता हूं, टू बाहर और कॉस स्क्वायर है तो कॉस ऑफ होल स्क्वायर बना दिया। ठीक है, अब सेपरेटली डिवाइड करो इसको, तो वन बाय टू तो बाहर है, सेपरेटली डिवाइड करो, साइन बाई कॉस टेन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू वन होल स्क्वायर, इतना समझ में आ रहा है। अब होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, तो वन बाई टू इट विल बी टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस वन स्क्वायर, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस वन स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ टेन एक्स बाई टू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू के क्या लिख सकते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा, तो फाइनली ये एक्सप्रेशन मिला वन बाई टू सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू टेन एक्स बाई टू, ये था वन प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉस एक्स। ठीक है, यही मिला, ये तो हो गया सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू और ये टू टेन एक्स बाई टू, ऐसे के ऐसे वन बाई टू को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो क्या बना वन बाई टू सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टेन एक्स बाई टू। तो फाइनली जो इंटीग्रेट करना था वो बना e रेज टू पावर x एंड इन ब्रैकेट वी कैन राइट वन बाई टू सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टेन एक्स बाई टू डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक मैंने सिंपल ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई की है, ओके, उस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए। अब बताइए कौन सा इसमें एफ एक्स है, कौन सा एफ डैश एक्स है। अगर मैं इसको एफ एक्स लूँ means if tan x by 2 is fx then what will be f dash x, differentiation of tan theta that will be sec square theta or x by 2 will be 1 by 2, kya ye f dash x nahi bana, ban gaya na, to answer kya hoga e raise to power x into fx aur fx kya hai tan x by 2 plus c, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो कई बार डायरेक्टली गिवन होगी ये फॉर्म, कई बार आपको रिड्यूस करके कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो समझ में आ रहा है कैसे कन्वर्ट करेंगे। और एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड, ये बताइए इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ओके, 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, वही फॉर्म है, आपको पता है अगर ये मैंने एफ एक्स लिया तो ये एफ डैश एक्स है, अगर एफ एक्स वन बाई एक्स है तो एफ डैश एक्स क्या बनेगा, वन बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर तो बना और ये प्रेजेंट है, तो आंसर क्या मिला e रेस टू पावर एक्स इंटू एफ एक्स दैट इज वन बाई एक्स प्लस सी, ओके डायरेक्ट। बट बोर्ड में आपको ये सब मेंशन करना है, ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, कौन सी फॉर्म यूज कर रहे हो वो फॉर्मूला भी लिखना है, e रेस टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला, फिर ये आंसर लिखना है। ठीक है, और ये एफ एक्स और एफ डैश एक्स डेरिवेटिव करके शो करना है, करके दिखाना है उनको, समझ में आया। अच्छा ये बताइए इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये भी वही ई रेज टू पावर एक्स वाली फॉर्म, तो देखो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स चाहिए तो पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तभी कुछ देख सकते हैं कि कुछ बन रहा है नहीं बन रहा है, तो ये बना सेक एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स, यही बना अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो sec x और sec x प्लस टेन एक्स। अब बताइए क्या डायरेक्ट fx और f dash x मिल रहे हैं, वॉट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ sec थीटा, sec x विल बी sec x टेन एक्स, तो अगर ये fx है तो क्या ये f dash x है या नहीं, अगर fx sec थीटा ले रहे हैं तो डेरिवेटिव क्या होगा sec थीटा इंटू टेन थीटा, और टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, तो आंसर क्या मिला इट विल बी sec x प्लस सी ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स, तो कौन सा आंसर मिला ओनली sec b। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो
इस साल आईआईटी जेईई एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जेईई 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है, ठीक है बच्चों। और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है, ठीक है ना। सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है बच्चों। जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा।